बनती जा रही है केडीएफ। केडीएफ एक सामाजिक संस्था जिसने सिर्फ परेशानियां ही नहीं बताई बल्कि उनके समाधान भी दिए। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पवन अग्रवाल जी, उन्हीं से बात करेंगे कि सर जैसे कि काशीपुर की जनता पर जब हमने सर्वे किया सुरागिला न्यूज चैनल की सर्वे टीम ने, तो पता चला कि लोग पहली पसंद केडीएफ को मान रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो सिर्फ समस्याएं ही प्रशासन तक नहीं पहुंचा रहे बल्कि उसका समाधान भी दे रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है ये जो जानकारी अभी आपने दी है कि काशीपुर की जनता की पहली पसंद केडीएफ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम केडीएफ का गठन हो रहा था तो उस समय जब इस पे विचार विमर्श चल रहा था, मंथन हो रहा था, तो उस समय ये बात लगातार हम सबके मन में थी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिस पे जो भी समस्याएं हैं उनको पॉजिटिव रूप में उठाया जाए, और सिर्फ समस्याएं ही ना उठाई जाए बल्कि उनका समाधान भी हम सरकार को या जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनको पहुंचाएं हम। और जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने कहा कि यातायात की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हमने साथ में फिर समाधान भी बताया कि आप यातायात को इस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर फ्लाईओवर की बात चल रही थी उसको लेके हमने समस्याओं का समाधान बताया। फिर जैसे यहां पर ड्रेनेज की एक बहुत बड़ी समस्या रही है तो उसको भी लेके हमने सरकार के सामने न सिर्फ समस्या रखी बल्कि उसका समाधान भी बताया। तो मैं समझता हूं कि अगर आप पॉजिटिव वे में कोई चीज अगर आप रखते हैं किसी भी अधिकारी के समक्ष या शासन प्रशासन के समक्ष, तो मैं समझता हूं कि उसको उसी तरह से फिर पॉजिटिव वे में ही उसको लिया भी जाता है और उसका समाधान फिर जल्दी निकल आता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि काशीपुर की जनता को केडीएफ की वर्किंग पसंद आ रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि केडीएफ लगातार इसी तरह कार्य करता रहेगा। केडीएफ के जो प्रयास है नगर के लिए निश्चित रूप से सराहनीय है। बाकी आपने कह ही दिया, जनता जो कहती है वो सर्वोपरि है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आज जो है केडीएफ के पदाधिकारी श्री घई साहब के नेतृत्व में जैन साहब, प्रणामी जी वगैरह नगर की कुछ समस्याओं को लेके आए थे। उन्होंने हमें एक लिखित ज्ञापन दिया है कि नगर में जो ओवरब्रिज बन रहा है उसके दौरान एक दीवार बनाने का प्रस्ताव है रेलवे के स्तर से, जो कि नगर हित में नहीं है, और इस पे हमारे बोर्ड के मंशा को जानना चाह रहे हैं वो लोग। निकट भविष्य में हम शीघ्र बोर्ड की बैठक बुला करके बोर्ड की जो भी मंशा होगी उससे हम केडीएफ को अवगत कराएंगे। देखिए, जनता का निर्णय सर्वोपरि है और जनता ने जब अपनी इस प्रकार की इच्छा जाहिर की है, बताया है, तो निश्चित रूप से उनके अनुभव अच्छे रहे होंगे। मैं थोड़ा सा केडीएफ के गठन के प्रारंभ में जाना चाहूँगा। केडीएफ एक नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंट, नॉन रिलीजियस और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। शहर के जितने भी संगठन, व्यापारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, सभी के सदस्य इससे जुड़े हैं, क्योंकि सबका कुल मिला के पर्पस एक है, खुशहाल काशीपुर। देखिए, लोकतंत्र में जनता की राय सर्वोपरि होती है और जो जनता कहती है वही सही होता है। अगर जनता केडीएफ के कार्यों को पसंद कर रही है और उसे तारीफ कर रही है तो सारे केडीएफ के मेंबर जनता का हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। जहाँ तक काशीपुर शहर की बात है, काशीपुर शहर पहले प्रमुख शहर होता था। यहाँ तक कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश काल में भी केवल जब एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, केवल दो जगह एसडीएम बैठते थे, एक ललितपुर और एक काशीपुर। तो आप समझ सकते हैं काशीपुर कितना इम्पोर्टेंट शहर है। अब हमने महसूस किया सर, कुछ लोगों ने, कि काशीपुर का डेवलपमेंट रुक गया है, इसका विकास नहीं हो रहा, और काशीपुर जो नगर निगम है एक नगर निगम होकर एक कस्बा जैसा रह गया। अतः हम अपने कुछ साथियों के साथ विचार करके ये सोचा कि एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन प्रॉफिटेबल, जिसको कोई आमदनी ना हो खुश की, एक कोई फ्रंट बनाया जाए। उस फ्रंट में उस एक मंच बनाया जाए जिसमें कि काशीपुर के समस्त राजनीतिक संगठनों को ना जोड़ के नॉन पॉलिटिकल रखकर और समस्त सामाजिक सेवाएँ और काश्मीरी जनता को जोड़ के इसमें हम आगे काम करें। अतः इसका एक हमने काशीपुर डेवलपमेंट फोरम बनाया जिसमें कि राजीव भाई, योगेंद्र जिंदल जी, देवेंद्र जिंदल जी, पवन भाई, मैं खुद, डॉक्टर बी एम गोयल, डॉक्टर रवि सिंगल और डॉक्टर डी के अग्रवाल, जो हमारे बीच नहीं रहे, इन सब ने अपना जो है योगदान देके और एक फ्रंट बनाया, और इस फ्रंट के माध्यम से हमने अच्छे काशीपुर को खुशहाल बनाने की कार्य करने की कोशिश की। केडीएफ एक बहुत अच्छी संस्था है और इसमें राजीव घई जी का बहुत अच्छा योगदान रहता है।
वो समस्याएं उठाने में सबसे आगे रहते हैं। आजकल हमारे क्षेत्र में जो ये पुल की समस्या चल रही है, हाईवे का जो पुल है रोडवेज के ऊपर, ये एक गहन समस्या है और राजीव जी इसमें खूब लगे रहते हैं और सुरागी नाल चैनल भी नई नई समस्याओं को उठाने में सबसे आगे रहता है। तो मेरा सब व्यापार मंडल की ओर से यही निवेदन है, हमें भी उनके साथ मिलकर इस पूरी समस्याओं को निवारण करने में पूरा योगदान करना चाहिए और समय समय पर इन लोगों का साथ देते रहना चाहिए। देखिए, KDF एक बड़ी संस्था है, हम लोग व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। मैं देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, हमारा देवभूमि व्यापार मंडल भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, प्रांतीय वाले भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो उद्योग प्लस व्यापारियों के साथ जुड़े हुए हैं, वो एक बड़ी संस्था है और हम भी उनके साथ हैं। चाहे वो ओवर ब्रिज का मामला हो, चाहे रेलवे फाटक का मामला हो, वो हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। KDF एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने शुरुआत की है, सब यहाँ के काशीपुर के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि पहले कोई भी यहाँ प्रतिनिधि कोई आता ही नहीं था, अब इस कम से कम प्रतिनिधि जागे हैं। अभी हम पार्षद हैं, इन्होंने नगर निगम में कल आए थे, KDF पे गई थी, तो उन्होंने हमने एक बोर्ड की प्रस्ताव पास करना है जो कि ये जो दीवार है बीच में जो लगभग हमें पता चला है, ताकि वो दीवार ना हो, इस बोर्ड की मीटिंग में हम पास करेंगे, वो फिर आगे जाके जो भी है हम देहरादून वगैरह वो भेजेंगे। देखिए, काशीपुर डेवलपमेंट फोरम ने काशीपुर के लिए एक नई शुरुआत तो करी ही है, क्योंकि काशीपुर को सब लोग भूल गए थे। काशीपुर के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो काशीपुर के विकास के नाम पे जीरो हैं, इसलिए काशीपुर डेवलपमेंट फोरम ने अगर काशीपुर के विकास के लिए शुरुआत करी है तो ये बहुत अच्छा कदम है। और मैं यही कहना चाहूंगा, काशीपुर डेवलपमेंट फोरम इस समय काशीपुर में के विकास के लिए सही कदम है और पहली पसंद बनता जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।